Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss question number 4 of exercise 13.2 which is based on cylinder. So question kya keh raha hai? The diameter, sabse important cheez hai, wo radius ki jagah aapko zyada tar diameter de dete hain. The diameter of our roller is 84 centimeter and its length. लेंथ का क्या मतलब है? इसकी हाइट, रेडियस. देखिए डायमीटर दिया हुआ है 84, मैंने रेडियस उसको 2 से डिवाइड करके निकाल लिया है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है. और लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव ओवर अ लेवल अ प्लेग्राउंड. फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. देखिए आपको रेडियस भी दी हुई है सेंटीमीटर में, लेंथ यानी कि इस सिलेंडर की हाइट भी दी हुई है सेंटीमीटर में, बट उन्होंने आंसर आपसे किस में पूछा है? मीटर में. तो कैसे करेंगे देखिए जरा, रेडियस लिख लिया मैंने, कैसे करोगे? 2 से डिवाइड करके करके दिखा देता हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाऊं आप. देखिए डायमीटर कितना है, 84 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 42. इतना तो आपको खैर पता ही होगा. अब देखिए मैं निकालूंगा एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन. वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कोई एक प्लेग्राउंड है और इसके ऊपर ये रोलर जो है वो रोल करता है. अब रोल करेगा तो क्या होगा? इसका ये वाला पार्ट तो इसके ऊपर रोल करेगा. इसका मतलब क्या रोल करेगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr(h). ये तो एरिया है बेटा कितने? एक रिवॉल्यूशन का. लेकिन वो कितने लगाता है? 500. तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 500 इंटू 2πr(h). यहां तक क्लियर है? अब देखिए हमें क्या बताना, फाइंड द एरिया. भाई देखो पूरे ग्राउंड को ये लेबल कर रहा है, तो ऑब्वियसली पूरे ग्राउंड पे जितना घूमेगा रिवॉल्व करेगा वही हमारा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया. तो एक बार रिवॉल्व करेगा तो इतना एरिया कवर करेगा. अब उन्होंने बोल दिया है कि 500 रिवॉल्यूशन में इसने पूरा जो प्ले ग्राउंड है वो लेबल कर दिया. इसका मतलब यह है कि जितना भी 500 रिवॉल्यूशन में एरिया कवर हुआ होगा वही क्या होगा? एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड. क्लियर है? अब देखिए इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 1000. पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 और एच की वैल्यू 120, ठीक है. 7×6=42. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा. अब 12 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. देखिए 4, 6, 2, 2, 3, 1, 4, 8, 5, 1. इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1, 5, 8, 4, कितने? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको लग रहा होगा जी आंसर आ गया, लेकिन नहीं. आंसर बेटा उन्होंने पूछा हमसे मीटर स्क्वायर में. और अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं. लेकिन यहां पर कितने सेंटीमीटर हैं? 2. इसका मतलब इस बार हमें डिवाइड कितनी बार करना होगा? 2 बार. 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0. आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड ऑफ द प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. सो नोट इट डाउन.